गण प्रदेश में जाकर रैली की तैयारी कर रहे हैं। भाई आपको रैली का विरोध करना था तो आप अमित शाह की रैली में धरने में बैठ जाते, आप अमित शाह की रैली में धरने में क्यों नहीं बैठे? आप भीड़ नहीं ला सकते, कोई बात नहीं मैडम, भीड़ की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उल्टे सीधे हथकंडे मत अपनाओ। और पूरी कांग्रेस एक है, आपने देखा इतनी भीड़ आई है, पूरी जयपुर शहर कांग्रेस तैयार है। हम पूरी तन मन धन से और पूरे कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है उसके लिए हम शोक व्यक्त करते हैं, मगर जितने कोरोना से मरे हैं उससे ज़्यादा कहीं बेरोजगारी से और महंगाई से रोज डेथ हो रही है। तो ये रैली हो रही है, दो दो पाँच पाँच हज़ार की शादियां हो रही है, ये रैली बहुत महत्वपूर्ण रैली है ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी संख्या में इकट्ठे हों कि केंद्र सरकार के कानों में रुई लगानी पड़ेगी और महंगाई कम करनी पड़े, उनको लगे कि देश की जनता विरोध में। तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, अभद्र हरकत है। आपने पार्टी के खिलाफ 2013 में काम किया, 2014 में काम किया, दो बार आपने पार्टी के खिलाफ अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी की शिकायत करके आई, ऐसी कितनी घटनाएं बताएं, कब तक सहोगे? कोई जरूरी है क्या है? आप एक रैली खुद की करके देख लो, पता लग जाएगा 50 आदमी नहीं आएंगे। रैली में भीड़ नहीं ला पा रहे इसलिए मजबूरी है, पूरा शहर लेके आ रहा है, वार्ड अध्यक्ष कार्यकर्ता सब ला रहे हैं, पर इनकी मजबूरी है कि वो जन आधार खत्म हो गया है। और मैंने अजय माकन जी से भी और डोटासरा जी भी कहा है कि इनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाए।